स्पीड पर चले, पता नहीं कितने जो भक्तों ने दान भी किए, शरीर भी नुछावर कर दिए, घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। और ये बहुत आसानी से मिलेगा, क्यों? उसकी विधि बहुत आसान है पाने की। परमात्मा के पाने में कर्म योग ही माना गया है, कर्म संन्यास नहीं। अब कर्म योग ये नहीं होता कि शादी ना करावे, वही शादी करा लेना, बाल बच्चे हो जाए, उसी को कर्म योग कहते, नहीं। हठ योग नहीं करता, तो चाहे शादी करा रखी है, चाहे नहीं करवा रखी है, चाहे वो काम, जैसे आश्रम में बच्चे रहते हैं और इन्होंने, ये कुंवारे हैं और सारा धंधा करते हैं, रोटी भी बनाए हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लाओ और भजन भी कर रहे हैं, ये भी कर्म योगी है। हठ योगी कर्म सन्यासी वो होता जो घर छोड़कर कि तो हाथ पानी लाओ और सारा दिन समाधि लाओ और हठ योग करे, तो वो कितनी देर कर सके है, फिर भी कर्म करने पड़ेंगे। उठकर जागा, किधर रोटी मांग के लाओगा, किधर झोपड़ी बनाओगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत साधना जिसके पास है तो वही पार होता है, उसका मोक्ष होता है। और गलत साधना करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। पार ब्रह्म को छाड़ कर ये पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत।